हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोमेमोरी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, आज हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। उसमें हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, राइट। देखो, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं इसका मतलब उसमें प्रेजेंट भी होते हैं, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर पोलन सैक्स उसमें होती है, तो उसमें माइक्रोस्पोर हमें नजर आते हैं और वो माइक्रोस्पोरेंजियम में होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंथर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर। अब ये जो एंथर है, इस ये कहा किस में होता है? देखो, ये पर्टिकुलर समझो, ये एक स्टैमेन है, राइट। तो स्टैमेन में, स्टैमेन हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इसमें लोब होते हैं, जैसे कि सिंगल लोब, डबल लोब, तो जिसे बायलोब बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है? बायलोब स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट लोब और ये सेकेंड लोब। अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमें क्या दिखता है बेटा? फिलामेंट। हमने लास्ट टाइम देखा है ये, लेकिन हमें अभी ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है, तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये क्या है? प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है, और यहाँ पे कनेक्टिव अटैच होता है। अगर हम इसका सेक्शन लेंगे, ये क्या है? एंथर है, राइट। अब इसका हम अगर सेक्शन लेते हैं, तो सेक्शन लेने के बाद कुछ हमें उस सेक्शन में कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये जो सेक्शन है जिसमें टेट्रास्पोरेंजियट स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, राइट बेटा, तो ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है मोस्टली, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये अच्छे से देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेक्शन लेने के बाद दिखेगा उसमें, ठीक है। ये हमें जब हम सेक्शन लेंगे तब दिखेगा, ठीक है बेटा। तो इस सेक्शन में हमें क्या नज़र आ रहा है? देखो, यहाँ पे ये जो है, हमने सेक्शन लिया और हमें टेट्रास्पोरेंजियट कंडीशन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, जिसमें हमें क्या नज़र आता है? पोलन सैक। अब ये जहाँ, यहाँ पे लाइन ऑफ डिहेसेंस, इसका मतलब है यहाँ पे ग्रू होता है, ग्रू, ठीक है, और इस ग्रू में एक लाइन ऑफ डिहेसेंस है, वहाँ से पोलन ग्रेन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं? जब हम माइक्रोस्पोरेजेनेसिस देखेंगे तभी हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पूरा एंथर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर हमें कैसे नजर आएगा बेटा? तो ये जो स्ट्रक्चर है हमें कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है, कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है देखो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमें जो दिखता है वो है ये टेट्रास्पोरेंजियट स्ट्रक्चर, राइट। अब ये इसमें क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होती है, इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? पोलन सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन सैक। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यंग एंथर की, तो यंग एंथर में मोस्टली इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनियस टिश्यू, ओके। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजिनियस टिश्यू। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एंथर वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? एंथर वॉल। अब इसको हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, अच्छे से देखो, ठीक है। ये जो एंथर वॉल है, इस एंथर वॉल में मोस्टली फोर लेयर है, इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस, उसके बाद है एंडोथेशियम, क्या है? एंडोथेशियम, उसके बाद है मिडल लेयर, ठीक है, मिडल लेयर्स, उसके बाद इसमें होता है टैपेटम, ठीक है, टैपेटम होता है। ये चार लेयर से बनती है एंथर वॉल, यहां से यहां तक। अब यहां पे बात करेंगे तो यहां पे क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। लेकिन अगर इसको हम अब डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, किस प्रकार होता है, कि कौन से लेयर इसमें होते हैं, ये पूरा हम देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, अब मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ और आगे हम पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ये जो पार्ट होता है, एंथर वॉल जो बनती है ना, इसे पराइटल वॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराइटल वॉल, ठीक है, पराइटल वॉल। अब ये जो पराइटल वॉल है, क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मिडल एंडोथेशियम मिडल लेयर जो होते हैं ना, ये पराइटल सेल से बनते हैं, ठीक है। अब जब हम स्पोरोजेनेसिस देखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो वहां पे भी मैं डिस्कस करूंगा ये पूरी बातें। तो इसको सिर्फ याद रखो कि अब हमें जो पार्ट देखना है वो है टीएस ऑफ एंथर, ठीक है। तो एंथर में हम देखेंगे क्या होता है, ये यंग एंथर है। अब हम डेवलपमेंट कैसे होती है एंथर की, वो देखेंगे। इसका मतलब है हमें अभी टीएस को देखना है, ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर क्या क्या होता है, ये हम पूरी बातें करेंगे बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे देखो अभी, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है ठीक है, कुछ इस प्रकार हमें स्ट्रक्चर नजर आता है। अब इसमें क्या है, ऐसे माइक्रोस्पोरेंज है। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब ये जो है पूरा सेक्शन, ये किस तरह से होता है इसको देखो, ठीक है। समझो, हमने जो सेक्शन लिया है वो इतना ही है, राइट, ठीक है, इतना ही है। हाफ ये जो सर्कल है यही हम लेंगे, इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि पूरा आप देखोगे तो यहाँ पे सेम ही नजर आएंगे सभी टिश्यूज, सभी सेल्स, ठीक है, सभी लेयर्स पूरी जगह में क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है बेटा। तो पहला जो लेयर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एंथर वॉल में, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एंथर वॉल में पहला जो लेयर होता है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, उसको लेते हैं, ठीक है। पहला जो लेयर है जिसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस, ठीक है, तो इसको मैंने निकाला। अब ये जो लेयर बनता है, देखो आउटर लेयर है, सिंगल लेयर है, आउटर सिंगल लेयर, जिसे हम बोलेंगे बेटा एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस होता है इसे हम कहते हैं आउटर प्रोटेक्टिव सिंगल लेयर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोथेशियम, क्या बोलते हैं इसे, एक्सोथेशियम भी बोलते हैं, एक्सोथेशियम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सोथेशियम। अब सेकंड जो लेयर है, देखो सेकंड इसमें आगे का जो लेयर है जिसे हम बोलते हैं, जो रेडियल सेल्स हमें नजर आ रही है, ठीक है, जो रेडियल सेल्स और ब्रॉड सेल्स जो नजर आ रही है उसको हम बोलते हैं बेटा एंडोथेशियम, क्या बोलते हैं, एंडोथेशियम। अब ये एंडोथेशियम जो है, ये एक सिंगल लेयर आपको नजर आ रहा है, कैसा लेयर है, ये एक सिंगल लेयर है। अब इसके जो सेल्स है ये ब्रॉड है एंड रेडियल सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। देखो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे पेरिक्लिनल डिवीजन होके जो भी सेल्स, यहाँ पे देखो रेडियली रेडियल सेल्स आपको दिख रहा है। एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये पराइटल सेल से बने आते हैं। अब जब आर्चिस्पोरियल सेल्स में डेवलपमेंट हो जाती है पराइटल सेल्स, वो हम आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पूरा डिटेल में देखेंगे। अब इसको इतना समझो कि एंडोथेशियम जो है, एंडोथेशियम ये सेकेंड लेयर है, सिंगल है, ब्रॉड है, रेडियल है, रेडियल सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये सेकेंड लेयर है। अब देखो इसकी खासियत क्या है, इसमें होता है कैलोज, कैलोज लेयर होता है, कैलोज थिकनिंग इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, कैलोज थिकनिंग, ठीक है, कैलोज थिकनिंग इसमें प्रेजेंट होती है। क्या करता है कैलोज, ये एक पर्टिकुलरली जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनके बीच में होता है, इसका होल्ड करके रखता है। जब माइक्रोस्पोर टेट्रा बनता है, ठीक है ना, तब वहाँ पे वो कैलोज जो है ना उसको यंग जब रहता है, और यंग मैट यंग एंथर में जब डेवलपमेंट होती है स्लोली स्लोली, ठीक है, जब मैच्योर बनता है, तब वहाँ पे पहले माइक्रोस्पोर बनने से पहले, माइक्रोस्पोर बनने से पहले, जैसे कि समझो यहाँ पे एक टेट्राड है, ठीक है, ये टेट्राड बना समझो, ठीक है, तो यहाँ से 4 माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे, ठीक है, तो यहाँ के बीच का पार्ट कैलोज थिकनिंग वहाँ पे आती है, ठीक है बेटा। तो ये जो कैलोज होता है ना, ये कैलोज और यहाँ का कैलोज, ये मोस्टली इसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, राइट बेटा। अब आप आगे बात करते हैं हम, ठीक है, तो होल्ड करके रखता है इतना, आप याद रखो सिर्फ, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, ओके। नेक्स्ट जो पार्ट है, ये लेयर किसके लिए होता है, क्यों होता है, ये भी जरूरी बात है। देखो पर्टिकुलर ये जो लेयर होता है, ये डिहेसेंस के लिए भी बहुत जरूरी होता है। देखो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, या मैच्योरिटी में ये क्या होता है, जब मैच्योर होता है अंतर तक ये क्या होता है, लूज करता है वाटर को, ठीक है, तो वाटर इसका क्या होता है, लूज हो जाता है। अब इसमें अल्फा सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है बेटा, क्या होता है, अल्फा सेल्यूलोज एंड फ्यू टैनिन्स, टैनिन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में रखो, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, अल्फा सेल्यूलोज है, और इसके बाद जो भी लाइन ऑफ डिहेसेंस है, तो लाइन ऑफ डिहेसेंस क्या है, लाइन ऑफ
डेहिसेंस और डिहाइसेंस। ओके, डिहाइसेंस बोले या डेहिसेंस बोले, ये जो पार्ट होता है ना बेटा, बिटवीन टू माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, बिटवीन टू, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ से लाइन ऑफ डेहिसेंस है, यहाँ पे क्या होने वाला है, माइक्रोस्पोर जो भी फॉर्म होंगे वो यहाँ पे, यहाँ से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, तो इस पार्ट को हम तो स्टोमियम भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्यूलोज है, तो पार्ट यहाँ पे क्या है, सेल्यूलोज है, लेकिन ये जो पार्ट है ये थिन होता है, यहाँ पे सेल्यूलोज नहीं होता है, या फिर बोले तो कैलोज भी नहीं होता है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं, स्टोमियम, जो जहाँ से क्या होता है, इन जो दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योरिटी के बाद ये क्या होते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये माइक्रोस्पोर यहाँ से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, रिलीज हो जाते हैं, तो यहाँ का जो पार्ट होगा वहाँ पे मोस्टली सेल्यूलोज अब्सेंट रहेगा, या फिर कैलोज जो थिकनिंग है वो नहीं रहेगी, इसके वजह से ये हेल्प करता है डिहाइसेंस होने में, ठीक है, पोलन रिलीज करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन होती है किस में होती है, बिटवीन टू स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये जो पोलन सैक आप नजर आ रही है, दो स्पोरेंजिया के बीच में का पार्ट, ठीक है। तो डिहाइसेंस के लिए हेल्प करता है ये लेयर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक है। कैसा है ये, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये क्या करता है, वाटर को लूज करता है, वाटर लूज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ओके, मैच्योरिटी बेटा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वाटर को क्या करेगा, ये लूज करेगा, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा सा याद रखो, आगे हम जाके और भी देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे का जो लेयर है उसकी, आगे का जो लेयर होता है देखो, उसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। और मिडल लेयर, ये जो लेयर होता है ना, शॉर्ट लिव्ड लेयर है, थोड़ी वक्त के लिए रहता है, ये 1 से 3 लेयर तक हो सकता है, ऐसे बोलते हैं कि ये 1 से 3 लेयर, 1 to 3 लेयर, सो 3 लेयर मोस्टली हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो इसे मोस्टली क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे हम, मिडल लेयर्स, ठीक है, मिडल लेयर्स। अब मिडल लेयर्स शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव, थोड़े टाइम के लिए रहता है, और यहाँ पे ये जो एक्चुअल जो मिडल लेयर होता है उसमें क्या होता है, ये स्टोरेज सेंटर है। मिडल लेयर क्या है, स्टोरेज सेंटर फॉर स्टार्च, स्टोरेज, स्टोरेज सेंटर फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए ये क्या है, स्टोरेज सेंटर का काम करता है, ठीक है। तो फूड मटेरियल इसमें है, ठीक है बेटा। अब इसके आगे हम जाते हैं, तो आगे के लेयर, तो ये कितने हैं देखो, 1 से 3, ठीक है, 3 to 4 में है, 3 to 4 भी कहते हैं किसी बुक में। अब देखो यहाँ पे ये जो लेयर है आपको जो नजर आ रहा है, इसके आगे का एक लेयर है, ठीक है, तो उस लेयर को हम बोलते हैं, यहाँ पे रहेगी माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, यहाँ पे रहेगी माइक्रोस्पोरेंजिया, लेकिन इसके आगे का जो लेयर है उसे हम बोलते हैं, मोस्टली इसे बोलते हैं हम, जो लेयर रहता है उसे हम बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलते हैं, टैपेटम, ठीक है ना। तो ये जो सेल होती है कुछ इस प्रकार हमें नजर आती है, जिसे हम बोलते हैं, देखो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इसे हम बोलते हैं टैपेटम, टैपेटल सेल्स, ठीक है। ये जो टैपेटल सेल्स हैं पिरामिडल शेप है, ठीक है, पिरामिडल शेप टैपेटम सेल्स हमें यहाँ पे दिखती है, ठीक है। और ये जो सेल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, हमें इसकी कभी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आया होगा मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जिससे हम कहते हैं, देखो क्या बोलते हैं हम इसे, ठीक है, टैपेटल सेल्स। अब ये जो टैपेटल सेल्स हैं, ठीक है, तो मोस्टली इसे हम बोलते हैं टैपेटम। सो टैपेटम क्या है बेटा, टैपेटम न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है,
क्या है टैपेटम? न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव। अब न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसका मतलब है ये जो भी माइक्रोस्पोर इसमें डेवलप होने वाले हैं, इसमें वो क्या करेगा, फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा माइक्रोस्पोर को, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डिफरेंशिएट होके माइक्रोस्पोर बनाती है। तो माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है ये टैपेटम। और ये जो टैपेटल सेल्स जो होती हैं बेटा, देखो देखो एक इस एक मल्टी न्यूक्लिएट यहाँ पे कंडीशन इसमें कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएट। अब आप बोलोगे सर जी सभी सेल्स में हमें एक एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, तो इसमें क्यों ऐसा है? यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, यानी कि बाय न्यूक्लिएट भी होता है, टैपेटल सेल्स बाय न्यूक्लिएट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है बेटा एंडोमाइटोसिस। क्या होता है? एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस, ठीक है, एंड माइटोसिस, ठीक है। अब आपको ये पता है एंड माइटोसिस, आपको पता है कि सेल डिवाइड होके, सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनती है, दोनों में भी जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पॉलीप्लॉइडिक कंडीशन है इस सेल्स में, ये जो टैपेटल सेल्स में, इसमें पॉलीप्लॉइडिक कंडीशन। इसका मतलब एंडोमाइटोसिस होना, इसका मतलब जो भी सेल्स रहेगी उसी में न्यूक्लियर डिवीजन होगी। तो कैरियोकाइनेसिस, साइटो कैरियोकाइनेसिस इंटरनल चलता रहेगा सेल में, और समझो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियस, तो एंडो इनसाइड माइटोसिस किसका हो रहा है, यानी सेल डिवीजन, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। तो एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, बाय न्यूक्लियट कंडीशन है या फिर मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन है। तो इसको ऐसा क्यों है? देखो यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी है। इसका मतलब देखो समझो एक सेल रहेगी, देखो पॉलीप्लॉइडी भी है, ठीक है, एंडोप्लॉइडी बोले सकते हैं हम, जिसमें जो सेल रहेगी बेटा समझो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है। देखो ये जो पर्टिकुलर सेल है इसमें आपको दो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें डिवीजन हुआ और यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, अभी एक ही में फोर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी लेवल बढ़ रही है। देखो यहाँ पे जो भी पार्ट है राइट, तो यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर टैपेटल सेल में आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नजर आएगी, ठीक है बेटा। तो इसको सिर्फ ध्यान में रखो, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, एंडोमाइटोसिस होता है, इनसाइड क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है, इसके वजह से इसमें कंडीशन कैसी है, बाय न्यूक्लिएट, ठीक है बेटा। तो ये कुछ बातें हैं टैपेटम, टैपेटम के बारे में। टैपेटम के मोस्टली अगर हम टैपेटम के टाइप्स की बात करें, टैपेटम टाइप्स ऑफ टैपेटम, ठीक है, तो टैपेटम में मोस्टली दो टाइप के होते हैं। एक होता है अमीबॉइड टैपेटम, ठीक है, और दूसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं सिक्रिटरी, सिक्रिटरी टैपेटम। अब अमीबॉइड टैपेटम जो होता है, देखो वहाँ पे ये जो टैपेटम होता है ये पासिस बिटवीन द स्पोरोजिनियस सेल्स एंड प्रोवाइड द पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो एमीबॉइड जो होता है जिसे हम पेरीप्लाज्मोडियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवेजिव और इनवेजिव एंड पेरीप्लाज्मोडियम टाइप का होता है, ठीक है। और सिक्रिटरी जो होता है वो सिक्रिट करेगा सब्सटेंसेस टू स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर पोलन सैक को, या फिर जो भी माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर है, ठीक है, उसके लिए। तो डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो सिक्रिटरी टैपेटम सब्सटेंसेस सिक्रिट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो अमीबॉइड होता है इसे पेरीप्लाज्मोडियम भी बोलते हैं, जो फ्यूज होके बनता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये स्पोरोजिनियस टिश्यू के बीच में जाता है अमीबॉइड टैपेटम, ठीक है, और फिर वहाँ पे प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस प्रकार के ये दो टैपेटम है बेटा, अब इसको सिर्फ याद रखो। अब इसका जो फंक्शन है, जरूरी चीज है बहुत समझना आपको जरूरी है कि टैपेटम जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होगी उसको तो वो प्रोवाइड करेगा ही, ठीक है, तो
तो टैपेटम के फंक्शंस, फर्स्ट जो फंक्शन है टैपेटम का बहुत जरूरी है आपको समझना। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ और हम फंक्शंस भी देखेंगे टैपेटम के, ठीक है। तो टैपेटम के फंक्शंस अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मोस्टली देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ टैपेटम, ठीक है, देखते हैं फंक्शन फंक्शन ऑफ टैपेटम। तो मोस्टली फर्स्ट जो फंक्शन है एज यू नो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये जो टैपेटम होता है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ही, लेकिन उसके साथ ये जो है इसमें कुछ प्रोयूबिश बॉडीज रहती है या ग्रैन्यूल्स रहते हैं, ठीक है, यूबिश ग्रैन्यूल्स। अब ये जो प्रोयूबिश ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसका लेयर, इसका कोटिंग जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन का होता है, ठीक है। तो ये जो टैपेटम होता है इसमें होते हैं, या फिर इसमें क्या होता है, ऐसा समझो प्रोयूबिश बॉडी ये क्या करेगा, सीक्रेट करेगा, प्रोयूबिश प्रोयूबिश बॉडी, या फिर ग्रैन्यूल बोले। अब ये जो है ना, इस एक्चुअली क्या है, कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग होती है, स्पोरोपोलिन, इसके ऊपर स्पोरोपोलिन की क्या होती है, स्पोरोपोलिन। अब स्पोरोपोलिन जो है ना, ये हार्ड सब्सटेंस है, या फिर इसे क्या मोस्ट रेजिस्टेंट बोलते हैं, मोस्ट रेजिस्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर किसका भी असर नहीं होता है। इसके इसके वजह से जो पोलन ग्रेन होता है ना बेटा, वो बहुत दिन तक रहता है, ठीक है। स्पोरो पोलन ग्रेन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्योंकि स्पोरोपोलिन का जो आउटर पार्ट होता है वो एक्साइन से बनता है, यानी जो स्पोरोपोलिन से बनता है, एक्साइन जो होता है ना वो किससे बनता है, स्पोरोपोलिन से बनता है। यहाँ पे क्या है, आउटर कोटिंग जो बनी है यूबिश बॉडीज की, वो किससे बनी है, स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो है ना टैपेटम, ये क्या सिक्रेट करेगा, स्पोरोपोलिनिन सिक्रेट करेगा। तो स्पोरोपोलिनिन क्या मोस्ट रेजिस्टेंस है, और ये जो है सिक्रेट होके कहाँ पे जाता है, एग्जाइन, जो पोलन ग्रेन का एग्जाइन होता है वहां पे जाके ये क्या होता है, ये मैच्योरिटी का पार्ट है। जब मैच्योर होगा पोलन ग्रेन, या फिर जब एंथरपोरा मैच्योर होगा, तो पोलन ग्रेन बनेंगे, तो पोलन ग्रेन बनेंगे मतलब उसका जो एग्जाइन होगा वो किससे बना रहेगा, स्पोरोपोलिनिन से बना रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अदर फंक्शंस क्या है टैपेटम के, और भी बहुत सारे फंक्शन के, जैसे कि ये जो है ना एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एंजाइम्स कौन सा प्रोड्यूस करता है, कैलेज एंजाइम्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एंजाइम जो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे वो है कैलेज, ठीक है, कैलेज एंजाइम। अब ये एंजाइम किस लिए होता है, एंजाइम किस लिए होता है, एंजाइम की जरूरत है, एंजाइम किस लिए होता है, जो भी माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्रा, तो उसमें कैलोज लेयर होता है, तो उस कैलोज लेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये कैलेज एंजाइम्स, टू डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय द कैलोज लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रायड, माइक्रोस्पोर टेट्रायड, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, यहां पे और भी एक इसका फंक्शन ऐसा है कि ये जो है टैपेटम, दूसरे में अगर इसकी बात करें तो स्पोरोपोलिनिन तो है, लेकिन उसके साथ और भी क्या है, हार्मोन भी सिक्रेट करता है, कौन सा, जिसे हम ऑक्सिन बोलते हैं, ऑक्सिन भी सिक्रेट करता है, IAA, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हम पार्ट देखेंगे स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजिनियस टिश्यूज रहते हैं या जो सेल्स हैं, ये कन्वर्ट होंगे जब एंथर क्या होगा, एंथर क्या होगा, मैच्योर होगा, तो ये स्पोरोजिनियस टिश्यू थे, अब ये कन्वर्ट होंगे माइक्रोस्पोर स्टेट में। इसका मतलब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा बेटा, क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तो ये किसमें कन्वर्ट होने वाले हैं, टेट्राड में, ठीक है, पोलन ग्रेन टेट्राड में, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे आपको
ठीक है, ये टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो कैलोज का लेयर है इसका अंदर का एंजाइम जैसे ही सिक्रेट होगा वैसे ये जो लेयर है ये क्या होते जाएगा, डिस्ट्रॉय होते जाएगा। ठीक है, अब कैलोज लेयर डिस्ट्रॉय होगा तो यहाँ से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन, तो यहाँ से ये क्या बनने जा रहा है, अभी पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है बेटा, अब ये जो पोलन ग्रेन है ऐसे बढ़ते जाएंगे मैच्योरिटी में। ठीक है, जिसमें ऐसा एग्जाइन होगा, इंटाइन होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर बनते जाते हैं। ठीक है, इसमें तो यहां से ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब होता क्या है, जब डिहाइसेंस होता है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है, तो माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट के बाद ये मैच्योर होगा, तो मैच्योर होते वक्त ये लेयर डिजेनरेट होगा, मिडल लेयर, उसके बाद टेपेटम तो होता ही डिजेनरेट है, लेकिन उससे पहले ये पूरा क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो लेयर होता है एंडोथेशियम, ये भी क्या होता है, इसका जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इसके वजह से वाटर लूज होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, पोर्शन थीन हो जाता है। दो जो स्पोरेंजियम स्पोरेंजिया होती है, दो वो अलग से जो होती है वो क्या होती है, ये बीच में का पार्ट, यहाँ से क्या होता है, डिहाइसेंस होता है स्ट्रक्चर का, और ये क्या होते हैं, पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस इसमें होते हैं। दिस इज द टी एस ऑफ एंथर, दिस इज द टी एस ऑफ एंथर, इसका मतलब है हमने किसका स्ट्रक्चर देखा है, इसमें जो भी डिफरेंशिएशन है हमने देखे। ठीक है, हमने क्या क्या देखा अब तक, इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट पार्ट है, एक में एंथर वॉल है, एक में एंथर वॉल है और अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ठीक है, तो एंथर वॉल कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक क्या है, ये एंथर वॉल है, जिसमें हमने देखा इपिडर्मिस है, एंडोथेशियम है, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम। ठीक है, टेपेटम कैसा होता है, इसमें क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं हमने देखे। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इपिडर्मिस में ये इपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके बाद एंडोथेशियम जो लेयर होता है उसमें कैलोज थिकनिंग होती है। ठीक है बेटा, और वो किसके लिए हेल्प करता है, डिहाइसेंस के लिए, और उसमें अल्फा सेल्यूलोज भी होता है, टैनिन भी होते हैं कुछ, इसके वजह से वो थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड भी होता है, उसके वजह से क्या होता है, डिहाइसेंस होता है अंदर का, बिटवीन टू स्पोरेंजिया जो होती है लाइन, जिसमें यहाँ पे हमने दिखाया है, यहाँ पे जो थीन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टोमियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमियम। ठीक है, थर्ड लेयर है मिडल लेयर, जो शॉर्ट है, स्टोरेज सेंटर है स्टार्च का। ठीक है, और टेपेटम इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, मल्टीन्यूक्लेट है, जिसमें एंडोमाइटोसिस होता है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है, फंक्शंस जो है ये क्या करता है, प्रो यूबिश बॉडीज सिक्रीट करता है, यूबिश बॉडीज को कोटेड रहता है, स्पोरोपोलिनिन कोटिंग है, वो स्पोरोपोलिनिन सबसे हार्ड सब्सटेंसेस है, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, उसको कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, चाहे रेन हो या फिर कौन सी भी चीज़ें हो, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक इस प्रकार जो स्पोरोपोलिनिन वहाँ पे सिक्रेट होता है, उससे जाके जब मैच्योर हो गया अंतर, तो एक्साइन बनेगा। ठीक है, किसका एंजाइम बनेगा, माइक्रोस्पोर का एंजाइम बनेगा, किसका, माइक्रोस्पोर का एंजाइम, कैलेज सिक्रेट करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, सिर्फ बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसमें और भी एक फंक्शन रहेगा टेपेटम का, जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना, ये क्या जो टेपेटम होता है ना बेटा, ये पोलन किट भी क्या करता है, पोलन किट भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है ये ऑयली होती है, स्टिकी होती है। ठीक है, लेयर ऑफ लिपिड्स, तो ये इसमें क्या होंगे, लिपिड से बनती है ये, लिपिड एंड कुछ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, अब ये जो पोलन किट होती है बेटा, ठीक है, जैसे कि हमने देखा है हिबिस्कस के फ्लावर को अगर हम देखेंगे, कौन सा भी फ्लावर हो, उसमें जब वो स्टेमन मैच्योर होता है, तो स्टेमन मैच्योरिटी के बाद वहाँ से कुछ पोलन ग्रेन निकलते हैं, और अगर हम उसको ऐसे थोड़ा सा फ्लावर को हाथ लगाएंगे, स्टेमन को हाथ लगाएंगे, तो हमारे हाथ को क्या होंगे, ऐसे हैंड को हमारे चिपक जाएंगे, तो येल्लोइश पार्ट जो हमारे जो स्किन होती है वहाँ पे वो चिपकता है, उस येल्लोइश पार्ट को हम बोलते हैं पोलन किट। तो लिपिड लेयर है, उसके वजह से वो चिपक जाती है। ठीक है, तो वो येल्लोइश पार्ट, येल्लो पाउडरी जो सब्सटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं पोलन किट। तो वो भी कौन प्रोवाइड करता है, टेपेटम। तो इस तरह बहुत सारे फंक्शंस टेपेटम के हैं।
ठीक है। तो इस तरह से हमने टी एस ऑफ एंथर को देखा। अगर आपको ये पूरा समझा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।